दोस्तों अगर आप भी अपने फोन से ईमेल आईडी को रिमूव करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो दोस्तों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों अभी मैं आपके सामने लाइव यहां पर जो अपने फोन से ये सारे ईमेल आईडी को रिमूव करना सिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों दरअसल क्या होता है, आप अपने फोन में बहुत सारा एक से ज्यादा ईमेल आईडी को बना देते हो और आप चाहते हो कि मैं ये सारे ईमेल आईडी को रिमूव कर दूं, डिलीट कर दूं। तो दोस्तों आप जो है बहुत ही जो है कम समय में आप अपने फोन से अपने ईमेल आईडी को रिमूव कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने अपने फोन में कितना सारा ईमेल आईडी को बना के रखा हुआ जो कि दोस्तों मुझे रिमूव करना है, लेकिन यहाँ से कहीं से भी जो है रिमूव करने का ऑप्शन ही नहीं है जिससे मैं इस ईमेल आईडी को रिमूव कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, उस तरीके से आप जो है जो मर्जी उस ईमेल आईडी को आप रिमूव कर सकते हैं। एक एक क्लिक में आप बारीकी से सारा ईमेल को आप जो है रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरे फोन में बहुत सारी ईमेल आईडी है और दोस्तों मेरा जो गलती से बना हुआ था तो मैं यहाँ पर रिमूव करना चाहता हूँ और अभी आपके सामने लाइव में यहाँ पर रिमूव करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहेगा और अगर आपका फोन का ईमेल आईडी रिमूव हो जाता है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताऊंगा ना उस तरीके से आप अपने गूगल ईमेल आईडी या फिर जीमेल आईडी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फोन का सेटिंग पर आना, ठीक है। दोस्तों सेटिंग यहाँ से भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक करके या फिर दोस्तों आपको दिखेगा ये सेटिंग। आपको क्या करना है, अपने फोन के सेटिंग पर आना है। जैसे आप अपने फोन का सेटिंग पर आओगे इसके बाद आपको कुछ इस तरह देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर गूगल खोलना है, ठीक है, या फिर अकाउंट को भी खोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फोन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर्स एंड अकाउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके फोन में जीमेल आईडी के लिए आपको रिमूव करने के लिए आपका यहाँ पर अकाउंट दिखेगा फिर गूगल दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको भी इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसके बाद आपको कुछ इस तरह देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यूजर एंड अकाउंट, आप मल्टीपल यूजर सारा मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा अदर्स अकाउंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जस्ट नीचे दिखेगा गूगल का सिंबल, तो क्या करना है गूगल पर क्लिक करना है। जैसे गूगल पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी ना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं मेरे पास कितने ईमेल आईडी है, बहुत सारे ईमेल आईडी है जो कि दोस्तों मैं ये सब को ना डिलीट करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ अपने फोन से, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी ईमेल आईडी को आप रिमूव करना चाहते हैं आपको क्या करना है, उस आईडी पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि दोस्तों कोई भी ईमेल आईडी पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट एंड साइंस आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, उसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिम्बॉल का आइकन, तो सिम्बॉल पर आपको क्लिक करना है। जैसे सिम्बॉल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव अकाउंट आपको दिखेगा। जैसे कोई रिमूव अकाउंट पर क्लिक करोगे ना तैसे आपका जो है ये ईमेल आईडी रिमूव हो जाए, ठीक है। यहाँ से मैं रिमूव करके नहीं दिखाऊँ क्योंकि मेरे सारे ईमेल पर्सनल है और मैं सबको यूज करता हूं, ठीक है। इसी तरह आप जो है यहां पर जो भी ईमेल आईडी को क्लिक करोगे ना उस ईमेल आईडी, जैसे आप इसमें क्लिक करके जैसे रिमूवल बटन पर क्लिक करोगे ना ये ईमेल आईडी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा और आपके फोन से धीरे धीरे सारा ईमेल आईडी हट जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आप जो है अपने ईमेल आईडी को रिमूव कर सकते हैं, सारा बारीकी से कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।